आई एम लाइक 32 एंड रिसेंटली अभी मैं लास्ट वीक ही मालदीव घूम के आया, जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई हैव डन अराउंड 20, आई हैव डन एग्जैक्टली 27 कंट्रीज। वाओ। सो 27 ऑन 32 मैं पहुंच चुका हूं। दिस इज माय पर्सनल गोल। दिस इज ब्यूटीफुल। जितनी कंट्रीज घूमी सो वो सारी मैंने अपने दम पे अपनी इनकम से और सीए बनने के बाद ये सब ट्रैवल किया। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्पिरिट्स। Guys, I welcome you all to the next episode of the CA show, where we cherish achievements of qualified chartered accountants. दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो इस शो में आज हमारे साथ हैं, मैं पहले उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज सीए पुलकित मेहरा, जिन्होंने कि सन 2013 में इन्होंने सीए क्वालिफाई किया था। इन्होंने 2008 में जस्ट आफ्टर क्लास 12th सीपीटी ज्वाइन किया और फिर सीए को परस्यू किया। आज हम इनकी स्टोरी सुनेंगे और मैं ये बताना चाहूंगा गाइज, 2013 में ही जो सीए इंस्टीट्यूट ने कैंपस प्लेसमेंट किया था, उस कैंपस प्लेसमेंट के हाईएस्ट सैलरी पैकेज पुलकित को मिला था। तो गाइज, वी वेलकम सीए पुलकित मेहरा। पुलकित, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो, एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइज, पुलकित राइट नाउ जो है दुबई में है, सेटल्ड है, और ये 2013 से ही इनकी जॉब जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो वहीं लगी थी और वहीं पर जो है ही हैज बीन वर्किंग सिंस देन, एंड राइट नाउ ही इज इन डाबर। आप लोगों ने डाबर का नाम सुना हुआ है। यू आर हेडिंग ओवर देयर व्हिच डिपार्टमेंट? सो आई वर्क फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। सो बेसिकली ट्रेजरी में आते हैं ऑल द करेंसी। सो सी, इट्स एन आउटसाइड इंडिया कंपनी, सो वी हैव टू लुक फॉर ऑल द करेंसीज, ऑल द फॉरवर्ड्स, ऑल द बैंकिंग रिलेशनशिप्स, एंड यू नो ऑल द कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। सो वी वर्क, आई वर्क बेसिकली हेड द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, एंड देयर वी लुक फॉर ऑल द, जो आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ते हो सब्जेक्ट्स, वो वाले चैप्टर्स को मेनली हम प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो जो आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, जो आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, वही चीज जो है पुलकित अपना प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पहले थोड़ा सा पुलकित की पास्ट स्टोरी शुरुआत से पूछना चाहूंगा पुलकित आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलकित, आप कि स्कूल टाइम पे ही आपने डिसाइड कर लिया था कि जी मैंने सीए करना है, किस स्टेज पे, किस स्टेज में, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन दैट यू स्टार्टेड परस्यूइंग सीए? ये कब आपके दिमाग में आया कि सीए करना है मुझे? सीए एज सच मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि बचपन से ही, नॉर्मली ऐसा कोई प्रोफेशन तो है नहीं जो छोटे से बच्चे के दिमाग में होता है। छोटे से बच्चों को क्या पता होता है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। तो सीए ऐसा कोई प्रोफेशन तो है नहीं कि फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है उसको पता होगी भाई मुझे सीए बनना है। तो इट ग्रोज विद मैच्योरिटी व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ मोर एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू बिकम। सो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात होगी, हम हमेशा से सुनते हैं अपने घर वालों से, एक दिन क्या हुआ कि मेरी साइकिल पे मैंने ताला नहीं लगाया था और साइकिल चोरी हो गई। अब साइकिल जब चोरी हो गई तो एक बच्चा, इनोसेंट बच्चा, पापा को आके बोलता है, पापा साइकिल चोरी हो गई मुझे नहीं दिला दो। तो पापा क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम सबके पापा लोग बोलते हैं, अरे हम कोई अंबानी बिरला के बेटे थोड़े हैं, जो भी तुम ख्वाहिश रखोगे और वो पूरी हो जाएगी। तो उस दिन से हमें समझ आता है कि इन लाइफ यू हैव टू डू समथिंग वेर यू ग्रो, एंड यू ग्रो यू हैव सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है, तुम्हारी जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो फुलफिल होए। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा जो मेरी फैमिली में लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, लेट से टू टेंथ स्टैंडर्ड या इलेवेंथ स्टैंडर्ड, जब तक हम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करा। नाउ आई रियलाइज कि हमने देखा लाइफ में कौन लोग ग्रो करें। तो मेरा जो एक लिमिटेड सर्कल होता है उस टाइम पे 50 to 200 पीपल, जिनको आप लोग सब जानते हो, देखते हो,
उनसे आप सीखते हो। उसमें मैंने देखा जो मेरी फैमिलीज में दो तीन सीएस हैं, दे आर डूइंग रियली वेल एंड देयर लाइव्स हैव रियली इंप्रूव्ड आफ्टर बिकमिंग सीए एंड दे आर ग्रोइंग, दे आर यू नो एबल टू बाय देयर ड्रीम कार्स, दे आर एबल टू यू नो ग्रो फ्रॉम देयर हाउसेस, फ्रॉम लिविंग इन अ 2 BHK, नाउ दे ऑन अ फुल विला एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। सो आई थॉट कि यार सीए क्या चीज है, इसके बारे में जानो, और उसके बारे में जाना तो फिर पता चला कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। और कॉमर्स में ये समझ आ गया था स्कूल फ्रेंड से उस टाइम पे जितनी नॉलेज होती है कि इससे ऊपर कोई कोर्स नहीं है, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार अब कॉमर्स लेनी है और सीए करके लाइफ में ग्रो करना है, अपनी ड्रीम्स अचीव करनी है। सो दैट वाज माय मोटिव टू यू नो। तो क्लास 10 तक ही आपने ये डिसाइड कर लिया था कॉमर्स लेने से पहले, लेने के आसपास? यस, यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ग्रेट। तो जो लोग भी अभी स्कूल में है और जो लोग जो अब करियर की सोच रहे हैं और जो लोग यू नो ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रोफेशंस हैं, मैं कहूंगा सो मेनी प्रोफेशंस, बट ऑब्वियसली देन सीए इज वन ऑफ द प्रोफेशंस वेयर ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एज वेल एज देन फाइनेंशियल ग्रोथ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसा कि पुलकित ने कहा। Absolutely. तो सीए की जर्नी जो आपकी रही, सीए आपने ज्वाइन किया, सीपीटी था उस टाइम पे, फिर सीपीटी के बाद आईपीसी, फिर उसके बाद फाइनल। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, वर देयर एनी obstacles faced by you during the CA journey? अब आपका actually क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर लोग सोचते हैं कि जी मेरा CA अगर ज़्यादा समय में हुआ है, मेरे ज़्यादा attempt लगे हैं, तो मेरा career खत्म है, या मैं I cannot grow, oh जी मेरा I cannot do good in life। तो क्या were there any obstacles, any hiccups? Did you ever see a failure when you were pursuing CA? आपने CPT के स्टेज पे पास की, आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप दिए, सिंगल ग्रुप दिया, क्या ऑब्स्टिकल्स थी, और अगर थी तो आपने उनको ओवरकम कैसे किया? तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पे आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, जिसकी अच्छी वैल्यू है। सो लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू विल ऑलवेज गेट नेगेटिविटी फ्रॉम समवेयर और द अदर। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस लोगों के, जो लोग सीए कर रहे हैं, सीए में घुस चुके हैं या प्लान कर रहे हैं घुसने के लिए, आपको लोग आके बोलेंगे बॉस इट्स नॉट अ केक वॉक, एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, इट्स नॉट इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड। फिर वो आपको कोई आपके रिलेटिव्स आके एग्जांपल देंगे, अरे उसका बेटा नहीं बना, इसका बेटा नहीं बना, ये पड़ोसी तो 5 साल से लगा हुआ है, ये सीए नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, तो तू क्या कर पाएगा, राइट? एंड लोग बोलते हैं कि यार लाइफ तू तो एंजॉय करने वाला आदमी है, तू तो नर्ड ही नहीं है, पूरा टाइम बुक्स में नहीं घुसा रहता है। तो सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं अपनी विल से घुसा कि मुझे लाइफ में एक्सेल करना था। अब लाइफ में एक्सेल करना एक चीज है, और दूसरी चीज आती है नेगेटिविटी फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स एंड द नेबर्स, जो लोग बोलते हैं बॉस ये लोग बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई नहीं बनता। अब नेगेटिविटी इस चीज में आती है, नेगेटिविटी आएगी आपको, जैसे आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या कई लोग आके बोलेंगे अरे बिग फोर में ही जाना है, सिर्फ बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं करी तो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। भाई मैंने तो कोई बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं करी, ठीक है। अब लोग आपको आके बोलेंगे यार तेरे 90% नहीं आए 10th में, तेरे 90% नहीं आए 12th में, तो तू कैसे सीए कर ले, ये तो भाई टॉप क्रीम क्लास के लिए है। बट आई विल टेल यू विद माय रियल लाइफ एग्जांपल, मुझे सीए बने हुए रफली 9 साल हो गए, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वो उस लेवल ऑफ नर्डीनेस पे थे उस टाइम पे, टिल डेट दे कुडंट कंप्लीट सीए, दे डिड सीए इंटर विद मी। सो आफ्टर 2008 I gave my CPT, हमने CA enter के दोनों groups दिए अपने सब बहुत सारे friends ने, और हमने CA enter clear कर लिया। उसके बाद आता है finals, तो obstacles की बात करेंगे अगर हम, तो obstacles तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो CA का course हो चाहे वो life हो, it cannot be everything good 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 better, ऐसी life नहीं चलती। CA course भी ऐसा ही है भाई, जिस course की value है market में, जिस course में लोग आके आपको पूछेंगे अच्छा तुम CA हो, अब आज मैं और मेरी वाइफ CA है, हम लाइफ में यहाँ पे सोशल इवेंट्स अटेंड करने आते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ तो इंडिया में हम सोशल इवेंट्स अटेंड करने आते हैं, पीपल सी विद ग्रेट प्राइड व्हेन पीपल टॉक टू अस, ओ यू आर सीए, योर वाइफ इज आल्सो सीए, यू लिव इन दुबई, मतलब लोगों को आज जो रिस्पेक्ट मिलती है वो जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे नहीं सोचा था। यस, बट व्हेन यू डू इट यार ये तो कुछ अच्छा ही कर लिया लाइफ में, तो फिर लगता है नहीं यार ये सही डिसीजन लिया था सीए करने का। अब ऑब्स्टेकल्स की बात आती है, भाई मैं भी फेल हुआ था फाइनल्स में, हर बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए और बोलो जी इसी की वैल्यू है, इसी को अच्छी जॉब मिलेगी, तो ऐसा को तो कुछ नहीं है। उसके बाद आपको लोग बोलेंगे अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बेस्ट पैकेज नहीं मिलेगा। मेरा उस टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था सीए करते कि मेरा जो पैकेज लगेगा वो बेस्ट लग जाएगा,
But when I landed in the campus interview and we were talking to the interviewers, it came in hand. It's just a paper, it's just a piece of paper. ये रहा आपका ऑफर लेटर एंड देन यूर वेरी हैप्पी. तो कभी मैंने ये सोच के टेंथ में तो सीए नहीं करी थी या सीए कर तो नहीं सोचा कि मुझे बेस्ट पैकेज चाहिए. सो थिंग्स स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस एंड जो नेगेटिविटी है ये तो भाई दिमाग से निकालनी पड़ेगी. मैंने बिग फोर से नहीं करी आर्टिकलशिप, मैंने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सारे पेपर्स नहीं क्लियर करे. तो कई के लोग बोलेंगे ये कंपनी का क्राइटेरिया होता है, ये इन्हीं लोगों को लेते हैं. भाई उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं लाइफ में जहां पे आप सीए एज अ सीए यू कैन एक्सेल. तो उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि सीए आपको ना मल्टीटास्किंग सिखाता है. मुझे जो अगर लाइफ में सबसे ज्यादा कुछ चीज सिखाई हो तो ऑब्स्टेकल्स के साथ मल्टीटास्किंग में क्या है, आप चार चीजें इकट्ठे कर लो. सी एज अ सीए लाइफ इज नॉट इजी व्हेन यू आर अ स्टूडेंट. आई रिमेंबर अभी हम 5 days a week जॉब करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है. सुबह मैं 8 बजे उठताऊंगा, शाम को 6 o'clock ऑफिस फिनिश हो गया रफली. सो द पॉइंट व्हाट आई एम टू टेल दैट लाइफ वॉज रियली टफ एंड वी यूज्ड टू गेट अप एट यू नो 5:36 गो फॉर क्लासेस, फिर रेगुलर आर्टिकलशिप करनी है, वहां पे जाना है, वहां पे ऑडिट्स के लिए जाना है बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास. तो वहां पे आपको बस फटाफट लुक चेंज करो, रेडी होके जाओ और शाम को आके फिर से एक क्लास. सो इट्स नॉट ईजी टू लिव अ लाइफ विथ सो मच ऑफ हार्ड वर्क, बट वेन यू क्रॉस दैट पाथ एंड वेन यू आर ऑन द अदर साइड यू सी आर क्या वो दिन थे. और जो मेहनत करी है वो आज डेफिनेटली आपको हेल्प कर रही है. सो आई वर्क इन द ट्रेजरी टीम इन माई कंपनी एंड वी सी अदर पीपल, लेट्स से हु आर नॉट सीएस या हु आर अकाउंटेंट्स. सो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रह जाती है. सो वो तो चीज फैक्ट है कि अगर आप सीईओ आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे इन द फाइनेंस फील्ड, इन द टैक्सेशन फील्ड, इन द ऑडिट फील्ड, यू विल डेफिनेटली बिकम अ मल्टीटास्कर. सो यू लर्न हाउ टू हैंडल थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड यू विल नो हाउ टू यू नो लिव अ लाइफ विच इज क्वाइट रनिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्लासेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ऑफिस एंड देन ऑफकोर्स योर एग्जाम्स जो सबसे जरूरी है. तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ऑब्स्टेकल्स तो आने ही आने हैं. आपको कैसे सेल थ्रू करना है, you have to figure out what works for you. So that's my great. So guys, learning dekhen yahan se ki it's not necessary ki aapne bilkul top firm se hi articleship ya training kiya ho. It's not necessary ki aapka first attempt mein hi nikla ho. It's not necessary ki aapki all india rank hi aayi ho. All india rank aaye bahut achhi baat hai, but otherwise you have to be tough from within. Aur kaha jata hai pressures jo hote hain डीप प्रेशर से ही डायमंड्स बनते हैं. तो जो हीरे बनते हैं, जो जैसे यहाँ पर हमारे साथ पुलकित हैं, एक हीरा है, तो ये हीरे जो बनते हैं गाइस एक्सट्रीम प्रेशर से ही बनते हैं. और उस प्रेशर को लेके देन यू हैव टू बिकम यू नो टफ एंड हार्ड एंड यू नो टेक ऑन द वर्ल्ड एंड शाइन. खैर तो दोस्तों हम लोग आगे पूछना चाहेंगे पुलकित से. पुलकित आपने मुझसे क्लास लिया था काफी साल पहले, उस समय की अगर बात करें, नाउ इट्स बीन सो मेनी इयर्स, तो व्हाट वर द बेस्ट नंबर वन लर्निंग्स क्या थी आपकी क्लास में, और अगर कहीं कहीं कहें कि बेस्ट मेमोरीज क्या थी क्लास के, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट एफएम की क्लास, तो व्हाट वर द बेस्ट लर्निंग्स एंड मेमोरीज. सो देखो एक होता है सब्जेक्ट को टीचर को पढ़ाना. सो जब मैंने 12th पास करी थी, 12th जब पास करते हो आप लोग टीचर से पढ़ते हो, नॉर्मली आप लोग कोचिंग में जाते हो, नॉर्मली जैसे मैं भी काफ़ी सारी कोचिंग्स लेते थे, तो क्या होता है कि आप टीचर्स से इतना प्यार नहीं करते होते. मतलब आपको अच्छे लगते हैं टीचर्स, दे टीच यू, बट इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी व्हेन आई जॉइंट योर क्लास एंड आई फेल्ट यार ये ऐसे भी पढ़ाई होती है. एंड देन आई थॉट कि सीए जैसी पढ़ाई को जिसको लोगों ने हवा बना के रखा हुआ था, वो कितने आसानी से कोई पढ़ा सकता है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स दे देके उसको आपके जीन्स में डाल सकता है. वाई ऐसे जीन्स, बिकॉज ये हम रोज अभी यूज करते हैं लाइफ में. एंड कॉस्टिंग एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा पर्सनली इट वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स, आई थिंक वन ऑफ द नहीं बिल्कुल ही फेवरेट बोलूंगा मैं. फेवरेट के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो हम रियल लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, कॉस्टिंग कहीं ना कहीं तो लगाओगे लगाओगे. आप कल को कोई भी अपना बिजनेस खोलो, तो मेरे लिए वो लाइफ के जो प्रिंसिपल्स जो मैंने उन चैप्टर्स में सीखे, आई ट्राई टू डू दैट. कि यार ये काम कर रहे हो, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, इसमें ओवरहेड्स क्या आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो लाइफ में आपको हेल्प करेंगे. सो देयर आर वेरी बिग मेमोरी फॉर मी. एंड देन ऑफ कोर्स जब हम क्लासेस में जाते थे, आई वुड से द मोटिवेशन पार्ट वॉज सीरियसली यूजफुल फॉर मी. वाई? बिकॉज टीचर्स मोस्टली सब पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट हमें एक सब्जेक्ट सिर्फ नहीं पास करना, हमें सीए बनना है.
तो ये मुझे समझ आया क्लासेस में जाके कि हमें कैसे अपना प्लान बनाना है और कैसे उस प्लान पे काम करना है. सो आई रिमेम्बर सर यूज टू से अ फ्रेज, मेक योर प्लान एंड समथिंग लाइक प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान. प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान. तो प्लान योर वर्क तो बहुत लोग कर लेंगे, प्लानिंग बना लेंगे बट उस पर काम नहीं करेंगे. तो प्लान तो बन गया. आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ता था मेरे पास जो स्टडी टेबल था सामने सारी डेट वाइज, लाइक 2 months बिफोर द एग्जाम और 3 months बिफोर द एग्जाम, डेट वाइज मुझे पता होता था विद बफर कि इस दिन मैंने ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इसके लिए इतने घंटे हैं. अरे ये बजटिंग खराब हो गई, इसमें ज्यादा टाइम लग गया पढ़ने में. तो वहां हम सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया यार, ये तो ज्यादा टाइम लग रहा है इसको पढ़ने में, तो बाकियों का प्लान चेंज करो. सो प्लानिंग सबको ही बोलेंगे करने को, लेकिन यू हैव टू वर्क योर प्लान. तो मेरे लिए अगर कोई लाइफ में चीज अगर सीए बनने के लिए सबसे ज्यादा काम आई हो तो वो डेफिनेटली वर्क योर प्लान पार्ट था. ग्रेट. सो दैट वॉज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. So guys, plan your work and work your plan is very important for each and every one of you to be a successful professional. Dhyan dijiyega, planning kijiye, apne upar atmavishwas rakhiye, have faith in yourself, but yes, make written plans and try to execute them to the best of your abilities. So guys, ab hum next sawal poochte hain Pulkit se. Pulkit, ek baat bataye, jab aap articleship kar rahe the, तो आर्टिकलशिप के दौरान आपका व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप के दौरान? आपने जैसे आपने कहा एक मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप करी, इट वाज नॉट बिग फोर, तो और क्या आपने भाई अब फिर आपने कैंपस इंटरव्यू में यू गॉट इनटू अ जॉब इन दुबई, राइट? तो व्हाट एक्स्ट्रा डिड यू डू, मतलब क्या आपने इंडस्ट्री ट्रेनिंग की थी या क्या किया था कि उन्होंने एकदम से यू नो दे कॉट होल्ड ऑफ यू एंड आईसीआई का जो उस पर्टिकुलर कैंपस ट्रेनिंग का कैंपस प्लेसमेंट का जो बेस्ट पैकेज हमारी कंट्री का था वो आपने बैक किया, हाउ इट हैपेंड, व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा? आर्टिकलशिप का कुछ एक्स्ट्रा था या इंडस्ट्री ट्रेनिंग था या व्हाट एग्जैक्टली? सो आई वुड से डेफिनेटली आर्टिकलशिप हैज अ वेरी मेजर रोल इन योर डेवलपमेंट थ्रू सीए. जब भी आप सीए कर रहे हो उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी में लाने के लिए. सी जब इंटरव्यूअर्स बैठते हैं वो सिर्फ आपकी उस टाइम पे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं टेस्ट करने के लिए बैठे हैं. इंटरव्यूअर्स को पता है आपके हाथ में डिग्री तो है ही, तो आपको नॉलेज तो है ही थ्योरेटिकल. ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चंस टू सी हाउ साउंड यू आर टेक्निकली, बट बेसिकली आई थिंक इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. सो व्हाट आई फील, सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे मैं बता दूं, मैंने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करी, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं. बहुत कम लोग करते थे तब भी, अब मुझे नहीं पता कितने परसेंटेज ऑफ लोग करते होंगे. जैसे अगर हमारी क्लास में उस टाइम पे 700 लोग होते थे, 700 में से लेट्स से 10-20 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे, तो क्या सिर्फ वही सी है? नहीं, 680 लोग भी तो बैठे हैं उस क्लास में. और तो आज के हिसाब से भी जो भी रेशोज हैं, बाकी लोग भी तो सीए बन के अच्छी लाइफ जी रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल इन लाइफ. लाइक हमारे जो भी फ्रेंड्स थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले ही वाव वाव जॉब कर रहे हैं या वाव वाव लाइफ जी रहे हैं, बाकी सब लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलावा आर्टिकलशिप पे हम आते हैं. आर्टिकलशिप के अंदर वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड लर्निंग्स भी हम ऑडिट पे जाते हैं. उस टाइम पे हमें लगता है यार तुम्हारे दिमाग में दो चीजें होती हैं, या तो तुमने प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है. मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट्स आई वुड से, या जॉब करनी है प्रैक्टिस करनी है. जो प्रैक्टिस वाला है वो तो कहता है यार ठीक है ये सब काम मेरे काम आने वाला है. उस टाइम पे बड़ी नेगेटिविटी आती थी, लोग बोलते थे यार तुमने तो जॉब करनी है, ये सब काम तो काम आएगा ही नहीं. ये जो तुम रिटर्न भर रहे हो, ये जो तुम पीएनएल देख रहे हो, ये जो तुम जा रहे हो ऑडिट पे, अगर तुम आगे जाके कोई और फील्ड में जॉब करो, जैसे आज मैं अगर ट्रेजरी में काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को जीरो नहीं बोला जा सकता. वो एक बेस बनता है. अगर आप बोलो जी वो चीज जीरो है, तो एब्सोल्युटली नॉट, इट्स डेफिनेटली नेसेसरी. वो चीज कब काम आती है, कब कनेक्ट द डॉट्स होते हैं, कौन सा एक ऑडिट का पॉइंट है, आपको कहां हेल्प करेगा, वो यू विल कम टू नो इन योर लाइफ कि क्या चीज जाके इट विल यू नो डेफिनेटली हेल्प यू. सो एक्सपीरियंस वाइज आर्टिकलशिप आई वुड डेफिनेटली से इट इज मस्ट मस्ट मस्ट. एंड मीडियोकर फर्म हो, ए ग्रेड फर्म हो, बिग फोर हो, It's on your caliber to get. Don't be disheartened कि मुझे ये best नहीं मिला. See, एक बच्चे को स्कूल में भी अगर 95 नंबर नहीं मिलते, मेरे 10th क्लास में 76 नंबर थे, 12th क्लास में maybe around 88% आए होंगे. So that doesn't mean I am on the top top top. अगर 50 बच्चों की क्लास है, मैं top 3 में तो नहीं था, शायद top 5 में भी नहीं होऊंगा. But CA कर ली, अब CA हो गई. Now you are doing in well in life and now you are excelling in life. You are happy with what you are doing. That is more important. So you have to break these notions from your brain that ye nahi hua to ye hoga, industrial training nahi hui to meri life achhi nahi hai, mujhe big four mein mera interview nahi crack hua to main kya karunga. Jo bhi aap kar rahe ho, work on your personality,
जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। सो आजकल का इतना कंटेंट एज है, लोग यूट्यूब, हमारे जब मैंने 2013 में सीए कर दी तब तो हमारे पास यूट्यूब आई थिंक शायद ही कभी गाने चलाने के लिए यूज किया होगा। आजकल तो आप ये भी कंटेंट कहीं पे देख रहे होगे बैठ के। हमें तो ऐसे इनसाइट सिर्फ लाइव मिल पाते थे आपकी क्लासेस में, कोई लोग आके एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब तो ये रिकॉर्ड होके पढ़ा हुआ कंटेंट एंड इट कैन बी यूज्ड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल। तो दिस एज यू हैव अ लॉट मोर बेनिफिट्स देन व्हाट वी हैड एट दैट टाइम। सो यू कैन गेट सो मेनी थिंग्स विच वी डिडंट हैड एंड दैट यू हैव टू यूज इट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इंटरव्यू के लिए जो मैं बोलूंगा, अगर पैकेज मेरे को अच्छा मिला, I think what worked for me was like I could speak than the rest of the people. I'll give you a very short example of my interview. मैं मतलब दिमाग में इतनी edged हो जाती हैं कई चीजें। They see your confidence. If they put you in a very difficult situation, आप कैसे handle करते हो? तो हमारा CA का interview है और हमें campus में एक 5-star hotel में interview चल रहा है और एक CFO है company का, वो आया हुआ है बाहर से और वो आपसे पता है क्या question पूछ रहा है? वो literally grill कर रहा था। हमसे आके क्वेश्चन पूछता है, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है वो पार्ट हो गया। आके क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज ब्लड? मैं कहा भाई ये तो सीए में पढ़ाया ही नहीं, सीए में थोड़ा बुलाते हैं व्हाट इज ब्लड। सही बात है। तो बेसिकली व्हाट द इंटरव्यूअर्स इज ट्राइंग टू सी इज हाउ डू यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। फिर एक पर्सन से पूछा व्हाट इज ब्लड, अब जो प्रीवियस डिस्कशन चल रहा था मेरे ऊपर इंटरव्यूअर आकर पूछता है व्हाट इज बैड ब्लड। अब यार सीए में बैड ब्लड कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक, तो हमारे दिमाग में लगता है यार ये तो पढ़ाया नहीं गया। बट आपको वो सिचुएशन को आराम से कैसे हैंडल करना है वॉज द चेकिंग पॉइंट ऑफ द इंटरव्यूअर। तो उस टाइम पे थोड़ी देर पहले इकोनॉमी की बात चल रही थी रूम में, तो मैंने बोला आई वुड से दैट द बैड ब्लड इज द इल्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे करप्शन हो गई, पॉवर्टी होगी, जो भी उस टाइम पे जो हमने नई नई चीजें पढ़ के आए हुए थे वो उसको मैंने प्यार से बोला दिस इज माई व्यू। दूसरे बंदे से पूछ लिया ऐसी रैंडमली व्हाट इज इंजन, तो भाई आप कार का इंजन एक्सप्लेन करो या आप इकोनॉमी को उससे रिलेट कर दो। दे वर जस्ट सीइंग योर कॉन्फिडेंस, राइट? सो दे सी हाउ यू विल डील इफ यू आर यू नो पिक्ड अप फ्रॉम इंडिया थ्रोन अब्रॉड इन अ प्लेस लेट से वेर यू डोंट इवन नो द लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आप कैसे उस सिचुएशन को डील कर रहे हो ये उनको चेक करना था। तो वो उन्होंने चेक किया जो जो चीजें ऐसे ऐसे टेस्ट लोग पास कर पाए। अब कोई ब्लड के आ रहे भाई कांप गया कोई बंदा, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैं बाहर बैठ के भी पढ़ ही नहीं रहा था। मैं तो इकोनॉमी पढ़ रहा था, इंडिया चाइना पढ़ रहा था उस टाइम पे, मतलब हॉट टॉपिक्स होते थे, इंडिया चाइना पढ़ लो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लो, जीडीपी कितनी है इंडिया की, पॉपुलेशन कितनी की है। आप बस कुछ कुछ टिप्स लेके पढ़ के अंदर घुस रहे हो क्योंकि आपने सब सब्जेक्ट्स तो पढ़ रखे हैं। इंटरव्यू के लिए लोग ना नॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ते होते हैं कि इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ चीजें आप टिप्स पे ले आओ, नंबर्स कि यूएस की क्या इकोनॉमी है। अब वो पढ़ के गए अंदर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज ब्लड, तो भाई बोल्ड नहीं होना ऐसी चीजों से। यू हैव टू सी कि हाउ यू विल यू नो प्ले दिस बॉल, दैट इज ऑल अबाउट सीए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिस इज यू नो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एंटरटेनिंग आल्सो कि भाई यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, जस्ट यू नीड टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेस द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, दैट इज हाउ यू कैन क्रैक बिग इंटरव्यूज, बिग क्वेश्चंस। ग्रेट। CA अपने आप में एक बड़ा ही लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जैसे इवन आपने बोला कि कुछ फेलियर का भी सामना करना पड़ा, बिल्कुल फाइनल में जैसे कुछ कुछ दिक्कत हुई, तो मैं ये जानना चाहूंगा हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड कि जी मुझे करना ही करना है, और अल्टीमेटली आपका एनर्जी लेवल उस अटेम्प्ट के बाद डाउन हुआ, हाउ डिड यू बाउंस बैक, हाउ डिड यू कम बैक अगेन कि यस आई हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। So that's a very, very, you know, I remember the days. That's a very, very relevant question. Why? Because कहीं ना किसी वे में failure तो life में आता ही आता है। किसी की life में failure exam में fail होना हो सकता है, किसी की life में घर के अंदर कोई problem हो सकती है, किसी के maybe बहुत बड़ी कोई और problem हो सकती है life में जो साथ में चल रही है आपकी पढ़ाई के। तो उस चीज को आपको कैसे handle करना है, that is really important. अब जब CA में आप fail हो जाते हो एक बारी, तो आपको एक झटका लगता है, झटका लग के आपकी गाड़ी ट्रैक पे चल रही है, वो गाड़ी बाहर आ जाती है। अब वो गाड़ी आप लाने की कोशिश करते हो ट्रैक में, वो नहीं आती, वो आप इधर लाओगे ट्रैक में वो भागेगी, लाओगे भागेगी। जिस स्पीड से मैं पहले रात भर पढ़ता था, उस स्पीड से मैं फेल होने के बाद रात को नहीं पढ़ पाता था, मन तो नहीं लगता था, अब मन नहीं लग रहा पढ़ने का, और बार बार थॉट्स आ रहे हैं, अरे फिर से फेल हो गए तो क्या करोगे, फिर से फेल हो गए तो क्या करोगे। उस थॉट्स को निकालने में जरूर टाइम लगता है,
इट टेक्स अबाउट 10-15 डेज या जो भी टाइम है, आप पहले तो एक्सेप्ट करना है कि फेलियर हो गया, तो उस फेलियर को एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपको ट्रैक पे ला रहे हो, तो आई रिमेंबर लाइक सीरियसली दिस इज द कार गोइंग, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एंड इट्स गोइंग अहेड, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन माई सेल्फ ऑन द ट्रैक, आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग, तो अपने आप को बार बार बैठ के नहीं भाई सीए तो करनी करनी है, अब इतनी कर ली तो अब तो करनी करनी है, या एंटर कर गए तो बस दिमाग में सेल्फ मोटिवेशन हार्डवर्क करना ही करना है, ये सोच सोच के आई ट्राई टू कम बैक टू स्टडी अगेन, मतलब फिर मैं वापस पढ़ने बैठ के वापस फिर से प्लान्स बनाए, उस टाइम पे प्लान दोबारा जब बनाना पड़ता है हाथ कांप रहे थे, इट्स नॉट दैट इजी व्हेन यू फेल एंड देन यू आर मेकिंग द सेम प्लान अगेन एंड व्हेन यू ब्रिंग द सेम बुक्स बैक टू द टेबल जो आपको साइड पे रख चुके हो, एंड बहुत सी ये करते हैं यार, ये कोई नई बात नहीं है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं ये सेम स्टोरीज मैंने सबसे सुनी है कि यार वो बुक्स उठा के वापस नहीं लाई जाती, बट आई टेल यू द डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है ना जिस दिन आप एग्जाम दे के आए हो और आप बाहर आ चुके हो रिजल्ट आना है, उस दिन रिजल्ट येस और नो में सिर्फ एक डिग्री का डिफरेंस है, अब आपकी कल और आज में नॉलेज में कोई चेंज नहीं होता है। नहीं है, सही बात है। तो जब आप फेल होते हो जिस दिन, उस दिन नो होता है, अब आपने ये चीज पूछी, मैं आपको पास होने की भी वही स्टोरी बताता हूं, आपका मेंटल स्टेट तो वही है कि आज रिजल्ट आना है, आप कंप्यूटर में लॉग इन करके बैठे हो या फोन में चेक करे जा रहे हो, अब उस टाइम पे क्या होता है, द मोमेंट इट सेज यस बट नथिंग हैज चेंज इन यू फिजिकली, यू आर द सेम पुलकित मेहरा जो कल थे वही आज हो, बस आज आपके हाथ में डिग्री आ गई, तो वो कब क्लिक होके जो फेल है वो यस पास्ट में आ जाएगा, आपकी नॉलेज उस दिन और अगले दिन सेम रहेगी, अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आपको उसको बस कीप गोइंग ऑन, स्टडी अगेन, ऑफकोर्स इट्स टफ टू स्टडी अगेन द सेम थिंग्स, यू फील बॉडी के अंदर आपको अलग इमोशंस आते हैं, उसको कैसे आपको केटर करना है, डू समथिंग लाइक अ मेडिटेशन, आई रिमेंबर जब ऐसे कुछ होता है आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो मेरे को जैसे क्या होता था, मैं रात भर पढ़ रहा हूँ, सुबह सुबह नींद नहीं आ रही, तो आई वुड सिट जस्ट रैंडमली 20 मिनट्स एंड आई वुड सिट डाउन, आराम से चौकड़ी मार के बैठ गए एंड आई एम जस्ट थिंकिंग आउट, लेट द थॉट्स कम इन, जो भी हो रहा है अपने आप को रिलैक्स किया, सो गए। सो आपको कुछ ना कुछ अलग करना है जब आपको फेलियर आ गया है, चाहे मेडिटेट करो, फिर मुझे किसी ने बोला सुबह सुबह जाके पार्क में जाके दो राउंड लगा के आ जाओ, कुछ भी चीज टू कीप योर सेल्फ मूविंग डेडिकेटेड, लेट इट गो, बस ये देखना है कि करना है, अगर घुस गए हो तो अब बन के ही निकलना है, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ग्रेट, सो गाइस इसी बात पे एक छोटा सा शेर कहें आप लोगों के लिए, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश ना होना, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश ना होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो कभी समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो दोस्तों, धूप तेज है तो समुद्र फिर भी भाई आपके अंदर, यू हैव दैट एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, यू डोंट लेट दिस हीट, दिस प्रॉब्लम यू नो गो डाउन और आपको जो है बिल्कुल सुखा के खत्म कर दिया, नहीं, आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, एंड यू नीड टू बाउंस बैक, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक, टाइम जैसे पुलकित ने कहा, और अल्टीमेटली आपके नॉलेज में कोई चेंज नहीं आता है भाई, आपकी नॉलेज जो थी वही है, पास और फेल में आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, कुछ गड़बड़ हो गई कोई एक सब्जेक्ट, कई बार ऐसा देखते हैं स्टूडेंट का 39 मार्क्स हैं, बाकी सब में भाई ओवरऑल 200 से ऊपर है, 400 में से अपने आप में बहुत अच्छे हैं, 260 है, 280 है, लेकिन एक में 39 है, तो वो गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से फिर अगली बार फिर अटेम्प्ट देना पड़ा, ऐसा होता है, मैंने कई देखे हैं, कई बार ऐसे देखा है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू डोंट गिव अप देन ओनली यू सक्सीड, क्योंकि अगर आप उस चीज को, उस पर्टिकुलर फेलियर को फाइनल मान लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको फिर वो सक्सेस जो फ्यूचर में आने वाली है वो नहीं आएगी। अच्छा, अब पुलकित थोड़ा सा यहाँ प्रोफेशनल लाइफ जैसे अब आपकी चल रही है, राइट, तो लाइफ स्टूडेंट लाइफ हो गई, अब लाइफ आफ्टर सीए एज अ प्रोफेशनल कैसी है, एंड साथ में आपके प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स क्या चल रहे हैं और कैसे अचीव कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ पर्सनली, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, अभी इसी साल आपने घर खरीदा, राइट राइट, ग्रेट, एंड वी विल शो यू द पिक्चर, देखिए इनके घर से कैसा व्यू आता है, यू जस्ट सी, इट्स ऑन मरीना, दुबई मरीना, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग व्यू, सो गाइस नाउ अब
पुलकित, आपने जो है इतनी मेहनत करके आज अब आप इस लेवल तक पहुंचे, इस मकाम तक पहुंचे और इतनी ब्यूटीफुल जगह पे आपका घर है, आपके ये पर्सनल गोल्स में से एक होगा कि भाई घर लेना है और अच्छी जगह पे लेना है, एंड नाउ इसी तरीके से और क्या पर्सनल गोल्स हैं एंड प्रोफेशनल गोल्स, एंड हाउ आर यू गोइंग टू, यू नो, हाउ आर यू बैलेंसिंग दोज, किस तरीके से आपके आप इस चीज के सीए बनने के बाद हाउ आर यू डूइंग इन दैट रिगार्ड? सो गोल्स डेफिनेटली, जब तक मैं सीए बना था मैंने हार्डली लोकली ट्रैवल किया था विद इन इंडिया, लिविंग इन दिल्ली, घर वाले शिमला ले गए, मसूरी ले गए, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णो देवी ले गए, मनाली ले गए, ये सब आसपास की जगह हम घूमते थे। बट आई रिमेंबर इन योर सीए क्लासेस यू शेयर्ड इन 2008 कि आप कहीं स्कूबा डाइव करके आए, आपने कहीं स्काई डाइव किया। सो दोज थिंग्स, यू नो, एक दिमाग में ऐसा था यार ये तो करना ही करना है, वो दिमाग में घुस गया था कि ट्रैवल तो करना ही करना है और ट्रैवल के साथ साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने हैं जिससे लाइफ में आपको बहुत मजा आए। तो आपने स्कूबा और स्काई डाइव दोनों किया हुआ है? हाँ, स्कूबा स्काई डाइव, obviously I've done both of them, and ये चीजें बहुत empower करती हैं। When you do such things, you have something in your mind कि यार ये करनी थी और जब कर लिया, तो let's say traveling अगर मेरे personal goal पे देखा जाए, so I really love to travel, and traveling का मेरा ये रहता है हर साल यार अच्छे से 2-3 कंट्री तो घूम के आओ। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली यही है कि आपकी जॉब आपको अच्छे से ग्रो करना है, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोफेशनली, दैट इज ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। नाउ ऑन द पर्सनल फ्रंट, आई रियली, यू नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज द ट्रैवल पार्ट। सो आई रियली लव टू ट्रैवल, एंड मेरे दिमाग में किसी ने एक, मेरे ऑफिस में कोई था, उसने बोला यार मेरा बॉस ऐसे करता है। मैंने कहा क्या करता है? उसने कहा उसकी एक ऐसे दिमाग में चीज है जो उसकी एज है उससे ज्यादा उसको कंट्रीज जाना है घूमने, ही इज 50 एंड ही हैज डन लेट्स से 30 कंट्रीज। तो मैं कहा ये तो बड़ी सी ड्रीम है, आई शुड वर्क ऑन दिस, बट नॉट जस्ट एडिंग कंट्रीज बट उस कंट्री में अच्छे से जाके घूमो। सो आई एम लाइक 32 एंड रिसेंटली अभी मैं लास्ट वीक ही मालदीव्स घूम के आया, जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई हैव डन अराउंड 20, आई हैव डन एग्जैक्टली 27 कंट्रीज। वाओ। सो 27 ऑन 32 मैं पहुंच चुका हूं। दिस इज माय पर्सनल गोल। दिस इज ब्यूटीफुल। एंड ये सारा सीए के बाद हुआ है? सीए से पहले? सीए से पहले मैं सिर्फ नेपाल गया था। अच्छा। उसके अलावा मैं और कहीं नहीं गया। राइट। वो भी पेरेंट्स के साथ एक नेपाल ट्रिप पे गए थे, उसके अलावा जितनी कंट्रीज घूमी सो वो सारी मैंने अपने दम पे अपनी इनकम से और सीए बनने के बाद ये सब ट्रैवल किया। एंड मुझे मतलब ट्रैवल से इतनी ही खुशी मिलती है कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स देखता रहता हूँ, शाम को घर आके लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो मैं नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, बट मुझे जो खुशी मिलती है वो ट्रैवलिंग से मिलती है। तो आप अपनी खुशी जानो, किसी को हो सकता है कि यू नो राइडिंग अ बाइक गिव्स यू हैप्पीनेस, किसी के लिए हो सकता है ट्रैकिंग इज अ हैप्पीनेस, सो व्हाटएवर गिव्स यू दैट किक उसकी वीडियोज लेके आप देखो और अपने आप को मोटिवेटेड भी रखो कि यार ये चीज़ यहाँ पे ये गया था, मुझे भी ऐसे जाना है और ये चीज़ मुझे करनी है। So, ऐसे मैंने दिमाग में कुछ कुछ चीजें डालते गया। और टू बी फ्रैंक बताऊं, अभी आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया घर की, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 2018 में मेरी शादी हुई थी। राइट। 2018 में शादी होने के बाद हम ऐसे ही एक उस एरिया में घूम रहे थे और किसी से उस बिल्डिंग में, उस घर में जाना था, उस बिल्डिंग में जिसमें मैंने आज एक अपार्टमेंट लिया है। तो उसमें जब हम गए उस अपार्टमेंट में तो मैंने देखा यार दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्या व्यू है यार, आपके बालकनी से यॉट्स दिख रही है नीचे और पूरा पानी और 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग दिख रही है यार, एक दिन मैं यहाँ पे घर लूंगा। तो 2019 में मैं एक बार उस बिल्डिंग में विजिट किया और मेरे दिमाग में मैंने उसको ड्रीम नहीं बनाया घर लेना, बट 2-3 इयर्स वी केप्ट वर्किंग एंड टुडे वी वर एबल टू अफोर्ड दैट थिंग। ग्रेट। सो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में बनाना है इस साल तक मुझे गाड़ी लेनी है, इस साल तक मुझे घर लेना है, कीप इट गोइंग विद द फ्लो। राइट। अब जब आपकी अफोर्डेबिलिटी होगी आप वो कर लोगे, और वो कैसे होगी, इफ यू आर डूइंग वेल विद योर फाइनेंशियल स्टफ, इफ यू आर डूइंग वेल प्रोफेशनली, तो ये सब चीजें अपने आप ड्रीम्स अचीव होती जाएंगी। यू डोंट हैव टू रियली वर्क। मतलब मैं अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे, ट्रैवल के लिए मेरे पास फिर भी कोई गोल्स होते हैं, लेकिन मुझे कब घर खरीदना था उसका मेरे पास 6 महीने पहले तक भी कोई गोल नहीं था। ग्रेट। तो जब पॉसिबल हुआ, जब आपने यू डू द मैथ यार रेंटिंग वर्सेस बाइंग, बिकॉज आई लिविंग इन दुबई आई वाज रेंटिंग अ प्लेस, तो रेंटिंग वर्सेस बाइंग की मैथ करी यार, ये सेंस बन रहा है, इतने रेट पे लोन मिल रहा है, चलो यार लेट्स डू इट, लेट्स गो टू द बैंक, टेक अ प्री अप्रूवल, प्रॉपर्टी देखी एंड आई कुड अफोर्ड दैट प्रॉपर्टी। सो दैट इज कि अगर आपने अच्छे पाथ पे चल रहे हो, सही आपका प्रोफेशनली गोल्स चल रहे हैं,
तो ये जो पर्सनल गोल्स हैं, ये अपने आप यू नो दिल कीप कमिंग एंड दिल कीप कमिंग ऑन द ट्रैक टू यू योरसेल्फ. अमेजिंग अमेजिंग. सो गाइस, अपनी मेहनत से इतनी कंट्रीज ट्रेवल किया और सीए की डिग्री के बाद 27 कंट्रीज ट्रेवल किया, उनमें से एक नेपाल पहले किया था, बट 26 कंट्रीज अदरवाइज खुद अपनी मेहनत से जो है घूमे हैं. और उसके अलावा मतलब कुछ ही साल पहले, 3 साल पहले घर, एक बिल्डिंग में एक घर देखा, वहाँ का व्यू देखा और सोचा कि कभी कभी ऐसा घर होगा. और कभी ऐसा घर होगा में, जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. तो वही चीज़ हुआ कि अल्टीमेटली कुछ सोचा कि ऐसा कुछ चाहिए और फिर वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाई कि भाई लीज पे लें, किराए पे लें या बाय करें. लीज और बाय, भैया बाय मेरे लिए ज्यादा सेंसिबल है तो लेट अस बाय. लीज रेंट इतना देते हैं, उसमें एप्रिसिएशन भी नहीं है. यहाँ पर जो है आपको एक अपना रेंटल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है जो जितनी जा रही है, साथ में अदरवाइज कुछ कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है, और अगर लिटिल बिट एप्रिसिएशन भी हो जाती है तो ग्रेट है. तो और अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, ग्रेट. सो वेरी हैप्पी टू यू नो सी ऑल दिस. और पुलकित से हम इसी साल में 2022 में दुबई में मिले थे, और उसकी भी मैं फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करता हूँ. हम लोगों ने रात को इकट्ठे डिनर किया था, एंड पुलकित ने अपनी शादी के बारे में बताया. वो शादी दिल्ली में ही हुई है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और शादी में हम लोग भी आए थे, एंड मी एंड माई वाइफ नीतू मैम, एंड इट वॉज वंडरफुल. एंड अब जो है शी इज ऑल्सो वर्किंग इन दुबई, ही इज ऑल्सो वर्किंग, एंड दोनों बोथ ऑफ देम आर यू नो सुपर ट्रैवलर्स जिसे कहते हैं. दे आर बोथ ऑफ देम आर सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड एन अमेजिंग कपल, एंड वी हैव हैड अ गुड टाइम. अभी जस्ट बिफोर दिस सेशन हम लोग वी वर हैविंग अ गुड चैट, एंड आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो वील हैव अ गुड चैट. एनी हाउ नेक्स्ट, अब बिल्कुल मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, कुछ रैपिड फायर कुछ राउंड लेते हैं स्टूडेंट्स के प्रस्पेक्टिव से. आप मुझे बताइए, जब आप पढ़ाई करते थे, वर यू अ नाइट आउल, रात को पढ़ते थे या अर्ली बर्ड? सो आई वाज डेफिनेटली अ नाइट आउल, बट आई वुड नॉट से, आई वुड नॉट लाइक टू इम्पोज दिस थिंग ऑन यू. ग्रेट. आई वुड से व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू मेक दैट प्लान. राइट. आप दोनों ट्राई करो. अगर आपको दिन में काम, दिन में पढ़ाई हो रही है, दिन में करो. मैं तो पूरी रात जागता था, एक फ्लास्क भर में कॉफी रख लेता था, और जब सब सो जाते थे, आई रिमेम्बर मेरे तो पापा वाईफाई तक ऑफ कर देते थे. अब तो फोन में मोबाइल डेटा आ गया, बट एट दैट टाइम मोबाइल डेटा तो नहीं था. बट 2013 वाज नॉट वेरी फार, बट यू ऑल, यू आप लोगों ने वो देखा है एरा. तो मेरे पापा वाईफाई ऑफ कर देते थे और मेरे पास मेरी बुक्स पड़ी है और मैं टेबल पे बैठ के पूरी रात पढ़ रहा हूँ. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, डू दैट. डोंट थिंक कि मैंने आज नाइट आउल पर बन के मैं ये इस लेवल पे पहुंचा या मैंने सीए कर ली, तो आई डोंट थिंक कोई रेशियोज आपको नेट पर रिसर्च मिलेगी 60% नाइट आउल है तो आपको वही करना है. डोंट फॉलो दैट. व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, डू दैट. राइट. नेक्स्ट फिर हमारा आता है एनी इंस्पिरेशन व्हाइल डूइंग सीए. इंस्पिरेशन व्हाइल डूइंग सीए डेफिनेटली व्हेन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो दो रिलेटिव्स थे, राइट, जिन्होंने बहुत ग्रो किया लाइफ में, दे आर स्टिल continuously growing in life. Right. They are CAs, they have practice, and जो job में भी हैं, they are, one of them is a director in Big Four. So whether you're in practice, whether you're in job, they are constantly growing. Amazing. Their lifestyle is constantly growing. Improving. Improving. Right. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है देखना. So they are my idols and that they are my inspiration. Great. Three good habits built during CA profession. मुझे पहले लगता था कि यार सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से काम चल जाएगा, हार्ड वर्क से तो नहीं चलेगा. मतलब हार्ड वर्क मेरा ये दिमाग में था कि यार पतली गली से निकल लो, हार्ड वर्क मत करो. तो सीए के बाद मुझे ये समझ आया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा. हार्ड वर्क को कैसे तरीके से करना है वो हमने डेवलप की चीजें, तो दोनों करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा. तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग. सेकंड थिंग इज की परसिस्टेंस, आपको लगे रहना पड़ेगा. अमेजिंग. लगे रहना पड़ेगा तो लगे रहना पड़ेगा. बहुत लोग फेल होते हैं जब आप ऐसे रेशो सुनोगे या रिजल्ट देखोगे, अरे 16% पास हुए हैं यार, 15% पास हुए हैं, तो आपको बुरा भी लगेगा देख के. बट यार जो पास हो गए उनकी लाइफ देखो ना, उनकी लाइफ आज कहां पहुंच गई. राइट. तो परसिस्टेंस बहुत ही बड़ी चीज है. बढ़िया. तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ, मैं उसको वाणी बोलूंगा. नंबर वन. सेकंड है परसिस्टेंस, और थर्ड है सीए के अंदर तो डोंट गिव अप. डोंट गिव अप, नेवर गिव अप. वो तो 100% है.
मतलब आपको लाइफ में आएंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे मैंने बोला था ना सीए में मत घुस, आपको पकड़ पकड़ के लोग बोलेंगे, और आज देखो वो बोलेंगे वाह यार क्या कर रहा है, दुबई में जॉब कर रहा है, आज लोग आपको आके वो पॉजिटिव बोलेंगे, राइट। तो गिव अप वाला तो सोल्यूशन देना ही नहीं, करेक्ट। आप एक बार में नहीं फेल हुए, मतलब पास नहीं हुए, दो बार में नहीं हुए, तीन बार में नहीं हुए। मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो मेरी सीए क्लासेस में थे, आज सब फेसबुक से कनेक्टेड है। अभी रिसेंटली पहले किसी का 20 दिन पहले भी स्टेटस आया कि क्लियर सीए, बीच में छोड़ दिया दिमाग में, और फिर एकदम से दिमाग में आया पढ़ना है, और मैं देख रहा हूँ यार अब सीए बन गए। उठा के फोन किया, उनकी स्टोरी जानी, तो वो कहते नहीं भाई ये तो मुझे करना ही था। तो बहुत लोगों ने सीए छोड़ छाड़ के और फिर दो साल बाद फिर से घुस गए, मेहनत करी, एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी, राइट। तो उनके दिमाग में जो एक बात करके जो एक उनसे मजा आता है, वो कहते हैं ये स्टेप तो हो गया लाइफ का, अब आगे की बात में देखेंगे, राइट, ग्रेट। सो दीज थ्री थिंग्स, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, एंड देन ऑफ कोर्स परसिस्टेंस, एंड द थर्ड वन आई वुड लाइक टू से अगेन, डोंट गिव अप। ये तो सीए में बहुत ही जरूरी है, ग्रेट। तो मैं वैसे एडवाइस फॉर फ्यूचर सीएस बोल रहा था, तो इसी में ही आपको एडवाइस फॉर फ्यूचर सीएस मिल रही हैं। अच्छा खैर, टू थिंग्स, एनी ऑफ द टू थिंग्स दैट यू लर्न ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, कोई भी दो आर्टिकलशिप के दौरान। ओके, सो आर्टिकलशिप से अगर हम रिलेट किया जाए, मुझे ध्यान है हम सुबह सुबह ऑडिट्स पे जाते थे कई बार, कोई कोई ऐसे ब्रांड्स होते हैं, फूड ब्रांड्स थे जो 10 बजे आउटलेट खुल रहे हैं, तो 7 बजे आपको जाके वहां पहुंचना है और ऑडिट करना है। तो मैंने जो इस चीज बताता हूँ, जो ऑडिट में उस टाइम पे सीखा होगा, मुझे पता था मुझे प्रैक्टिस तो करनी ही नहीं, बट आज मेरे एक ब्रदर का रेस्टोरेंट है, सो आई एम एबल टू टेल हिम द थिंग्स विच आई लर्न्ड इन ऑडिट। जैसे मैं एक निरुलास ब्रांड है, उसमें जाके मैंने ऑडिट में कुछ कुछ चीजें देखी, right, कि कैसे गड़बड़े हो रही है। तो ऑडिट के मतलब आपके आर्टिकलशिप के टाइम पे जो जो आप चीजें सीखोगे, यू विल बी एबल टू यू नो थ्रू आउट लाइफ गिव एडवाइजेस टू योर नियर एंड डियर वंस जिनके रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट वाली मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में एक चीज रहती है कि ये तो आपको सीखनी है। दूसरी चीज अगर मेरे से कोई पूछे आर्टिकलशिप में मैंने क्या सीखा, तो उस टाइम पे यार सच्ची बताऊं कंप्यूटर चलाना सीखा। वाह, मतलब एक्सेल क्या चीज है, बीइंग अ सीए आज मैं इतना एक्सेल यूज करता हूँ, करेक्ट, बट जब मैं गया फर्स्ट टाइम ऑफिस, टक 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 लोग एक्सेल में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं बिना कीबोर्ड के, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, मेरे लोग कर क्या रहे हैं, तो मशीन की तरह काम करे जा रहे हैं। तो वो जो एक्सेल स्किल्स मैंने जो सीखी, दैट इज आई थिंक इन वट एवर थिंग्स यूर डूइंग, वट एवर प्लानिंग यूर डूइंग, अपना प्लान बना रहे हो आप एक्सेल में, ग्रेट, वो स्किल्स आज बहुत ही जरूरी है, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लगाया या वी लुकअप लगाया, अब उससे बहुत एडवांस जाके, दैट वाज अ बेस, एंड आई रियली रिलिश द डेज व्हेन आई लर्न फ्रॉम माय फेलो आर्टिकल्स की यार मुझे एक्सेल सिखा दो, ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हाइल परस्यूइंग सीए? So favorite subject without a doubt, not because I'm sitting with you, it's cost and FM, and it will remain cost and FM. Great. And I can prove it to you कि मैं काम भी वही करता हूँ. Right. तो जिस कंपनी में मैं हूँ, इससे पहले ही जिस कंपनी में था, I was handling corporate finance and treasury. Right. Current role is also treasury. Right. So ये first subject था जो मैंने पढ़ा. हाँ. और वो first subject ही दिल को मेरे मतलब ऐसा touch हो गया, और बार-बार मेरा मन करता था कि पढ़ो. आज भी मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग विद यू, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे पास सीए बने हुए 9 साल हो गए, सीए की बुक्स में से मेरे पास सिर्फ फाइनल और इंटर की कॉस्टिंग की बुक्स पड़ी है। अच्छा, तो आई स्टिल रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली इन माय लाइफ। राइट, अभी आप जाके यूट्यूब से देख सकते हो, लेकिन जब आपने हाथों से अपनी चीजें लिखी हुई है, वो 9 साल बाद अब जब अपनी मैं आके अपनी बुक उठाता हूँ या अपने नोट्स उठाता हूँ, वो कलरफुल पेन से उस टाइम पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, राइट, तो वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद आते हैं। Great. So without a doubt, Cost FM is for sure very close to my heart. Amazing. And last but not the least, what's your stress buster? Okay, so stress buster is very easy. It's traveling. 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 So मेरे दिमाग में ये है कि stress buster पता है क्या, मेरे को stress हो जाता है अगर मेरा अगला trip planned नहीं है। अच्छा। तो अभी आप Maldives होके आए? Maldives होके आया। अभी मैं इंडिया भी मेरे लिए trip है कि एक wedding पे आया हुआ था मैं। Right. अब मैं दुबई 2 दिन बाद वापस पहुंच जाऊंगा। Right. तो मेरे दिमाग में रहेगा next कहाँ जाना है। तो मेरे लिए ये है कि भी अगला trip plan हो जाए। So that is the biggest relief for me, and then you start working on the plan, jaisa maine bola. Amazing. I watch the YouTube videos. Right. So stress buster for me is when I'm traveling. I yeah. love it. Correct. And I'm sure aap log jo aaj life jee rahe ho, wo CA banne ke baad jo bhi aap life mein karoge, traveling would become easier and affordable. Right. और भी professions में लोग travel कर रहे हैं, ऐसा correct. नहीं है, correct. ऐसा नहीं कि engineers travel नहीं करते, doctors travel नहीं करते, या IAS के लोग travel नहीं करते, but for sure CA के साथ traveling तो
इजी हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. करेक्ट, ग्रेट. तो पुलकित, इट्स बिन इयर्स कि मैं जो भी स्टूडेंट्स अचीव करते रहे, आप नाउ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ फेलो, यू नो यू आर अ पीयर, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो. एंड अब इस टाइम पे जैसे जब भी कुछ स्टूडेंट जब जिस टाइम पे पढ़ रहे होते थे तो अचीव करते थे, तो मेरे को अच्छा लगता था उनको पेन देना या कुछ अदरवाइज कुछ गिफ्ट देना. तो पुलकित, ये आपके लिए एक छोटा सा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है, एक कॉफी मग आपके नाम के साथ, और लुक्स गुड. इसमें यू ड्रिंक कॉफी एंड यू रिमेंबर मी, रिमेंबर अस, एंड कीप इन टच, एंड थैंक यू सो मच. वी विल कम ओवर टू दुबई अगेन, एंड बिल्कुल मिलेंगे. एब्सोल्युटली, वी विल डेफिनेटली हैव मोर मोमेंट्स एंड एंजॉय मोर ओवर देयर. बिल्कुल बिल्कुल. So guys, that will be all for today from us, both of us, Pulkit ki taraf se aur meri taraf se. Aap sab logon ko best wishes, never give up, give your best, and aapne, you have to, if you see, if you fall down, but fall down and then bounce back like a rubber ball, don't stay down, get back up, fight back and win. And jo chahte ho karo, travel karo, zindagi jiyo. That will be all. Take care. God bless you all.